Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टाइम रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू, कौन आपके सपने देखते हैं या उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को इन्जॉय कर पाएँ। यहाँ पे हैंगमैन पाइसिस एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन आया, स्कॉर्पियो एनर्जी है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सजिटेरियस है, नेक्स्ट आ रहा है द होमिट। आपने किसी से बातचीत बंद कर दी है या उस पर्सन ने आपको बिट्रे किया होगा और आप इस पर्सन से दूर हुए होंगे और इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कुछ हद तक कुंडली अवेकनिंग भी यहाँ पे हुई है, मुझे यहाँ पे यही एनर्जी फील हो रही है। अभी मैं आपको और बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्लैरिफाई कर लिया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है, हायरोफेंट टॉरस एनर्जी है, लीब्रा एनर्जी है, जस्टिस, और नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ सॉर्ड्स, और लास्ट में आ रहा है आपके लिए थ्री ऑफ सॉर्ड्स है और सिक्स ऑफ कप्स है। आपके पास्ट में किसी से आपका रिलेशनशिप था, बातचीत थी, उस पर्सन ने आपको धोखा दिया, ठीक है, और हार्ट ब्रेक हुआ। धोखा मतलब ये नहीं कि किसी और के पास चला गया, लेकिन आप जो चाहते थे वो नहीं करना चाहता था और जो वो चाहता था वो आप नहीं करना चाहते थे, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि काफ़ी परसेप्शन जो है इस पर्सन का चेंज हुआ है। हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू, तो ये आपके एक्स लवर या एक्स पार्टनर हो सकते हैं, जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट करे, ये पर्सन का परसेप्शन जो है वो आपने चेंज किया है। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप है तो किसी को गिफ्ट दे देंगे या उसके साथ फिज़िकल हो जाएंगे या इस तरीके की, जो मतलब क्या बोलूँ मैं, कि ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर किसी और को हटा के किसी और के साथ हो जाएंगे या फिज़िकल रिलेशनशिप बना लेंगे तो हम किसी को मिस नहीं करेंगे, लेकिन ये सब उल्टा पड़ गया। वही मैंने कहा कि यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। हम सभी जो एक स्पिरिट वर्ल्ड से आते हैं, ठीक है, हमारे जैसे, अब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि साइंटिफिकली इस चीज़ का कोई कह सकते हैं रीज़न नहीं है, ना ही कोई प्रूफ है, बट अगर सोच के देखना कि जो आपकी अर्थ है, सन है, प्लैनेट्स है, वो एक पर्टिकुलर ग्रेविटी पे ही टिकी हुई है। अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी तो भी आप कोलैप्स हो जाओगे पूरी प्लैनेट, और अगर कम हो जाएगी तो भी जो है कोलैप्स हो जाओगे, आप किसी और प्लैनेट में घुस जाओगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही क्यों सब कुछ चल रहा है, ये जो कैलकुलेशन है वो कौन कर रहा है, वहाँ पे बैठा साइंटिस्ट कर रहा है कैलकुलेटर से, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसी को जो हायर रेल्म को कहा जाता है कि जो शक्ति हमें दिखती नहीं है बट एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, समझ के देखना जो मैं कहना चाह रही हूँ, उस चीज़ की रियलाइजेशन इस पर्सन को हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो गई कि इन्होंने गलत किया, वो जो है गलत मतलब रास्ते पे थे। जैसे कि किसी ने कहा था, अब मुझे याद नहीं है कि किसने ये कहा था, कि ज़्यादातर लोगों को जो है बोलना तो 2 साल में आ जाता है, लेकिन क्या बोलना, आई थिंक आशुतोष राणा ने कहा था कि क्या बोलना है, कब बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये जो है लोग बड़े होकर भी या जितनी भी एज हो जाए उनकी, उनको नहीं आता है। ये वही चीज़ है कि यहाँ पे इस पर्सन ने कुछ ऐसे शब्द बोले होंगे, हर्टफुल चीज़ें बोली होंगी, जो भी जेंडर हो, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से दूरी बना ली और इस पर्सन को लगा कि नहीं, आप तो उसके पास आ जाओगे या अवेलेबल हो जाओगे, या जैसे होता है ना कि डिसरिस्पेक्ट आप जितनी ज़्यादा सहोगे सामने वाला उतनी डिसरिस्पेक्ट या बेइज्जती आपकी करता जाएगा। तो अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना या अपनी रिस्पेक्ट जो है वो क्रिएट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, कोई और आपके लिए नहीं लड़ता, वो चीज़ इस पर्सन को समझ आई है, ठीक है। तो ये पर्सन हु इज़ ड्रीमिंग, आपको समझ आ गया होगा, आपका एक्स लवर या एक्स पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इस पर्सन को ऐसा महसूस हुआ शुरुआत में कि सब कुछ जो है वो वैसे ही चलेगा जैसे वो फन मूवमेंट में थे, लेकिन एक्चुअली में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, लेसन्स लर्न हो चुके हैं, इस कर्मा इस इंसान का जो है आपका कार्मिक बॉन्ड जो है उसका जो पर्पस था वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है कि इस पर्सन ने अपनी खुशी को ईश्वर ने एक ब्लेसिंग दी आपके रूप में, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया,
और वो जो है अब पछता रहा है, एक तरीके से उसे कर्मा मिल रहा है। यहाँ पे ये चीज है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके फर्स्ट हाउस में शनि हो सकता है, ठीक है, या राहु हो सकता है, या सूर्य और राहु हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, फील हुआ तो मैंने बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। और आप जो है वो सप्तऋषि का जो कॉन्स्टिलेशंस आपने कभी पढ़े होंगे, उसमें जो दिसंबर में या सेजिटेरियस जो एनर्जी होती है, मुझे एग्जैक्टली ओरियन आई थिंक कॉन्स्टिलेशन होता है, मैं सही हो सकती हूँ या गलत भी हो सकती हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जो है ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, एक जो जैसे होता है ना कि एपिफिनी हो गई कि हाँ भाई मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया इस तरीके से, तो वो जो हार्ट ब्रेक है इस पर्सन ने इस पर्सन को सिखाया है, हार्ट ब्रेक ने इस पर्सन को काफ़ी कुछ सिखाया है कि वो गलत रास्ते पे चल रहा था या चल रही थी, और ये सब जो मिथ्या है या समाज में ऐसा दिखाया जाता है कि अब क्या बोलूँ, बोलना अच्छा नहीं लगता है, कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, टीनेजर हैं या 14 14 15 15 साल के, आपको इंटरनेट पे अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और बुरी चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है, आपको चूज़ करना है। बुरी चीज़ें देख के या उन्हें ऐसा लगता है यही लाइफ है या यही प्लेजर है या यही प्यार है, यही रिलेशनशिप है, लेकिन जब एक्चुअल रिलेशनशिप में आप आते हो तो जो आपको लगाव होता है वो उस चीज़ से परे होता है, ठीक है, फिजिकल चीज़ों से परे होता है, वो 10 मिनट का, 5 मिनट का, 35 सेकंड का जो प्लेजर है उससे काफ़ी कुछ अलग होता है वो रिलेशनशिप या वो सिचुएशन या वो सर्कमस्टांसेस, तो वो चीज़ इस पर्सन ने सीखी है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। तो यहाँ पे आ रहा है फ्लरिश द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन योर अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हीलिंग, नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग, एवरी वन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, येस इवन यू। तो हीलिंग यहाँ पे हो रही है आपकी भी और इस पर्सन की भी, और काफ़ी कुछ इस पर्सन ने सीखा है, वो ड्रीम कर रहे हैं, उनके एक्शंस में जो है ये चीज़ है टेम्पटेशन, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा फिजिकल चीज़ों की तरफ टेम्पटिंग नेचर रहता होगा इस पर्सन का। आर यू इन अ डिनाइल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी, द फेरी सेज यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन वॉट एवर इज गाइज। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, टाइम इन टू द पावरफुल पीसफुल ऑफ नेचर, पीस ऑफ नेचर वेन एवर यू आर एंड फील एट वन विद योर हैबिटेट। तो यहाँ पे ये ड्रीम आपके लिए कर रहे हैं, इस पर्सन के अभी जो कर्मा है वो चलेंगे और एक्शंस में जो है फिलहाल इमिडिएटली कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आगे रीडिंग्स करूंगी तो कहीं ना कहीं जो है उनके एक्शंस भी यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है हिडन सरप्राइज है, एंजल्स आपको गिफ्ट कर रहे हैं, कैरियर पे ध्यान दो, न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, फॉर्चुनेट टाइम है, पैसा आ रहा है आपके पास, और ऑनलाइन बिजनेस भी आप करो, पीसफुलनेस रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से देख लेना, अच्छा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सनम रे अरिजीत सिंह का, एक और देख लेते हैं, अखियां गुलाब तेरी बातों में उलझा, ऐसा भी कुछ गाना है या मूवी है, देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।